एएसएफ हाउसिंग स्कीम में साले नौ को खुशामदीद कहने के लिए शानदार म्यूजिकल कॉन्सर्ट, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल को क्लिक कीजिए। एएसएफ हाउसिंग स्कीम में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम, जबकि डायरेक्टर लैंड एंड मार्केटिंग तारिक शाह की भी रेड बॉक्स से खसूसी गुफ्तगु। एएसएफ हाउसिंग स्कीम में साले नौ को खुशामदीद कहने के लिए म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया। M9 मोटरवे पर वाक़ एएसएफ हाउसिंग स्कीम में गुजरते साल 2019 को खुशगवार लम्हात के साथ रुखसत करने के लिए और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए शहरियों की खुशियों को दोबाला करने के लिए फनकारों ने मुख्तलिफ गाने पेश किए। रात 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। तकरीब में हर उम्र से ताल्लुक रखने वाले शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शहरियों के लिए खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। बच्चों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए कार्टून कैरेक्टर्स भी तकरीब में मौजूद थे, जिनसे बच्चे मुतअद्दिद बार सेल्फीज भी लेते देखे गए। तकरीब में सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा गया, जबकि शहरियों की रहनुमाई के लिए गाहे बगाहे मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी अहलकार मुतअद्दिद मकामात पर मौजूद थे। दूसरी जानिब आपको बताएं, डायरेक्टर लैंड एंड मार्केटिंग तारिक शाह ने रेड बॉक्स से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने गुफ्तगू में क्या कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक आर्म फोर्सेस की तरफ से और हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कराची अब एक अमन का गहवारा बन चुका है और इस तरह के इवेंट्स और फैमिली इवेंट्स जो है, प्रोग्राम जो है वो मैनेज होने चाहिए ताकि लोग अपनी फैमिली के साथ एक हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकें, आएँ, इन्जॉय करें। और बाकी आपके सामने है सारा कि लोग इन्जॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं और अच्छा लग रहा है। कराची की रौनकें बहाल हुई हैं।